This is your new SST book, class 4. I am your SST teacher, Mrs. Archana Tyagi. As you know that due to this dangerous disease coronavirus, we have to skip some chapters. So today I will start your fourth chapter, that is India, the Peninsular Plateau. India, the Peninsular Plateau. Plateau. What do you mean by plateau? Plateau is Pathar. Plateau means Pathar. हम इस चैप्टर में पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये पता चलेगा कि प्लेटो होता क्या है. बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं, लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, ओशियंस एंड प्लेटो. सो अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. अ प्लेटो इज एन an elevated flat land. It means plateau होता क्या? Plateau is an elevated flat land. पठार जो होता है हमारी पृथ्वी पर, पठार जो हम लोग नाम सुने हैं, ये पठार जो होते हैं, की शेप कैसी होती है? ये पठार जो होते हैं नीचे से तो बेस जो होता है इनका फ्लैट होता है और ऊपर से थोड़ा एलिवेटेड मीन्स उठे हुए, ऊपर से उठे हुए होते हैं. तो जो लाइक टेबल, जैसे मैं आपको अभी इसको पूरा डिस्क्राइब करके बता देती हूँ, प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. प्लेटो एक उठी हुई फ्लैट जमीन होती है. इट इज अ फ्लैट प्रॉपर टेबल, टेबल लैंड. जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेबल कैसी होती है, टेबल का जो बेस होता है फ्लैट होता है, ठीक है, और जो ऊपर से थोड़ा सा टेबल उठी होती है एंड स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड सरफेस. तो इस तरह से जो भी अर्थ का जो पार्ट है, जो भी जिस जगह भी जो ऐसा पार्ट होता है जो आपने ऐसा देखा होगा, जो नीचे से होता है, जो बेस होता है, वो एक टेबल की तरह होता है फ्लैट, और ऊपर से आप देखोगे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उठा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्लेटो. उसको बोलते हैं पठार. द हाइट ऑफ द प्लेटो ऑफन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्लेटो की जो हाइट है वो सभी जगह सेम नहीं होती है. प्लेटो की जो हाइट है वो सेम नहीं होती है. प्लेटो की आप कैसे करोगे, सपोज ये प्लेटो का बेस है, दिस इज बेस, ये फ्लैट हो गया. अब मैं यहाँ से प्लेटो बना रही हूँ, उभरा, ऊपर से उठ रहा है इस तरह से, यहाँ से इतनी हाइट हो गई इसकी, फिर ये ऐसे चला, फिर ऐसे हो गया. तो ये ऐसे, ये प्लेटो है. आप ये देखो यहाँ से इसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई, यहाँ से फिर कम हो गई. तो हाइट इसकी जो प्लेटो की है सेम नहीं होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है सब पूरे उसके प्लेटो की शेप में. नाउ द पेनिनसुलर प्लेटो. अब लोकेशन ऑफ द प्लेटो, ये पेनिनसुलर प्लेटो जो है उस कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में. नेम तो बता दिया आपने, मैंने बता दिया प्लेटो होता क्या है, लेकिन हम इसे पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे. तो ये इंडिया में लोकेटेड कहाँ पे है? ये इंडिया में है टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. भारत के जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में हमारा पेनिनसुलर प्लेटो स्थित है. दिस प्लेटो इज कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ लैंड. इस प्लेटो ने इंडिया की लैंड का हाफ एरिया कवर किया हुआ है. इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. इसकी शेप ट्रायंगुलर होती है विद इन ब्रॉड बेस, और बेस जो है इसकी, इसका नीचे से चौड़ा होता है. ब्रॉड मीन्स चौड़ा. इन द नॉर्थ एंड ए नैरो एपेक्स इन द साउथ. द पेनिनसुलर प्लेटो इज मेड अप ऑफ एंशिएंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब पेनिनसुलर प्लेटो जो है किस चीज से बना हुआ है? वो पेनिनसुलर प्लेटो में जो मटेरियल लगा हुआ है, जो मेटल मटेरियल लगा हुआ है, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का मटेरियल लगा हुआ है. जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टाने होती हैं उनसे वो पेनिनसुलर प्लेटो बना हुआ है. इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना पार्ट है. दिस प्लेटो इज डिवाइडेड बाई द नर्मदा रिवर इंटू टू पार्ट्स. नर्मदा रिवर इस प्लेटो को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. नंबर वन द सेंट्रल हाईलैंड. नंबर वन इज द सेंट्रल हाईलैंड. एंड नंबर टू
नेक्स्ट पार्ट है इसका द डेक्कन प्लेटो, द डेक्कन प्लेटो। तो ये दो पार्ट हैं जिस जिन पार्ट्स को नर्मदा रिवर पेंसुल प्लेटो को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, डेक्कन प्लेटो एंड सेंट्रल हाईलैंड। तो इन टू पार्ट्स के बारे में आप कल की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। द बाउंड्री बिटवीन दीज टू यूनिट्स इज फॉर्म बाय द विंध्या रेंज। और ये जो दो यूनिट्स है, जो टू पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो किसके द्वारा बनी हुई है, वो विंध्याचल रेंज के द्वारा बनी हुई है। तो ये जो टू पार्ट्स आपको मैंने आज बताए हैं उनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आपको ये केयरफुली वीडियो सुननी है, ध्यान से अपनी बुक ओपन करके बुक सामने खुली रखनी है, तभी आपको वीडियो ये चैप्टर का ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।